हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्य त्रिवेदी जस्ट फिटनेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? सप्लीमेंट की अगर बात की जाए तो यार सप्लीमेंट आजकल बहुत असेंशियल हो गए हैं कि मतलब कुछ भी लो, या आप जिम जा रहे हो तो आपको वे प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी अगर देखी जाए तो देखो वे प्रोटीन, क्रिएटिन, कुछ ऐसे सप्लीमेंट है जो कि बहुत नेसेसरी हो गए हैं। और आजकल फिटनेस की तरफ लोग ज़्यादा मतलब ध्यान दे रहे हैं तो सप्लीमेंट को काफ़ी यूज़ करना पड़ रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? वो आती है कि भाई आप सप्लीमेंट लेने जाते हो तो सप्लीमेंट ही मिलता है, कबाड़ मिल जा रहा है। तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम की, काफ़ी समस्या की बात है, इस बात की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। तो वही वाली बात है भैया। तो अब देखना ये है कि भाई आप जैसे मान लो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे कई सारे लोग मिले हैं, जैसे मैं कुछ एक ब्रांड के नाम तो नहीं लेता, बट बहुत सारी ऐसी ब्रांड है, पॉपुलर ब्रांड है, उनको इतनी ज़्यादा डुप्लीकेसी हो गई है कि कई बार चून मिला के दे देते हैं। चून जानते हो, मतलब आटा मिला के दे देते हैं यार, डब्बों में आटा निकल रहा है। ऐसी इतनी ज़्यादा मतलब हद हो गई है, पैसा कमाने के चक्कर पब्लिक इतनी पागल हो गई है कि कुछ भी देने को तैयार है। तो एक मेरा दोस्त था, वो मुझे मिला अभी लगभग एक डेढ़ महीने की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। उसने मुझे, मैं प्रोटीन ले रहा था तो उसने मुझे दिखाया कि भैया ये प्रोटीन मैंने लिया था यार, ये देखो कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा है। तो यार यकीन नहीं मानोगे, उसके अंदर मतलब चॉकलेट फ्लेवर था, और उसके अंदर मतलब यार क्या था वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, गंदी सी स्मेल आ रही थी उसके अंदर। मतलब अगर आदमी डुप्लीकेसी कर भी रहा है, कुछ ऐसा मिला रहा है तो आटा ही दे दे यार, कम से कम आदमी बीमार तो ना हो, परेशान तो ना हो। मिलावट भी ऐसी ऐसी कर दे रहे हैं ना कि मतलब समझो मत, ये नहीं कि अपना फ़ायदा कर रहे हैं, वो साले दूसरे का नुकसान भी कर रहे हैं। तो बहुत बुरे हिसाब है भैया। तो आज इसी बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, इस सप्लीमेंट का जो ये डुप्लीकेसी है ना, इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने वाले हो, और इसकी सॉल्यूशन भी लगभग कुछ मिल ही जाएगा आपको। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये सप्लीमेंट की डुप्लीकेसी जो है वो किस तरीके से होती है। देखो जो बाहर सप्लीमेंट ब्रांड है, अभी कुछ सप्लीमेंट ब्रांड है जो बाहर, इनका नाम है वो बाहर से उन्होंने बनाया, अब वो इतनी बड़ी ब्रांड है, वो यहाँ पे आप इतने से बैठे हो, उनके लिए आप कुछ नहीं हो। ये तो मैं क्या बना रहा हूँ, बहुत ही बड़ी चीज़ है, और उनके आप चींटी बराबर नहीं हो, आप उनके लिए कोई मतलब वो आपकी वैल्यू नहीं समझते, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या करा, वहाँ पर इम्पोर्टर बिठाया, भाई 10-5 करोड़ का सामान उसको दिया, इम्पोर्टर ने सामान मंगा लिया, 1000 रुपये पर डब्बा ही बोलते हैं, पर एक डब्बे का 1000 रुपये के हिसाब से उसने मंगा लिया। उसके बाद उसने अपने नीचे स्टाफ वाले को दिया, जो कि डील करता है पूरे एरिया में, जैसे मान गाज़ियाबाद में मैं रहता हूँ या दिल्ली में कोई रहता है, तो मान लो वो गाज़ियाबाद उसके अंडर है, तो उसने उसको दे दिया, तो उसने 200 रुपये पर डब्बा कमाया, 1200 रुपये में उसको दे दिया। तो जो पूरे गाज़ियाबाद में बेच रहा है, उसमें जो आगे वाले होंगे वो उसको मान लीजिए ज़्यादा कमाना चाहता है, 300 रुपये उसने और बढ़ाए, तो 1500 रुपये का डब्बा वहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब 1500 रुपये का डब्बा चला गया, उसके बाद एक और बंदे बैठे हैं जो छोटी छोटी दुकान खोल के बैठे हैं, उन्हें लगा 1500 का भाई उसने भी पैसा कमाना है जो तीसरे वाला था, तो उसने 1500 500 रुपये और जोड़े, 2000 रुपये का डब्बा आगे चला गया। ये 1000 रुपये का मान के मत चलना, किसी से कंपेयर मत करना, ये बेसिक बता रहा हूँ जो आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। तो 2000 रुपये का उस बंदे को डब्बा मिला। अब हम बंदे हैं, हम जाएंगे भैया हमें प्रोटीन चाहिए, जिम जा रहे हैं मतलब बॉडी बनानी है, प्रोटीन दे दो। तो वो बंदा क्या करेगा, 100 कमा सकता है, 200 कमा सकता है, दे देगा। अगर वो सोचेगा कि 2000 वाला चीज़ मैं 3000 में दे दूँ उसको, तो यार नहीं बनेगी बात, ठीक है। तो यहाँ पे सीन आता है कमाई का। तो या तो ये जो सबसे छोटा वाला है, या तो ये काम करता है, ये नकली पीस बनवाते हैं, ये निकाल देते हैं आगे। तो मान लो उसके नाम पे ये आपको कोई ख़राब चीज़ बेच देगा, ठीक है। अगर ये भी ईमानदार निकला, इसके पीछे वाला जो होगा, जिसको 200 रुपये कम रहे थे, वो डुप्लीकेसी कर देते हैं। और कई बार छोटे इम्पोर्टर का भी सीन आपको बताता हूँ मैं। ये जो मान लो कोई होते हैं जाइंट इम्पोर्टर, मतलब कि बहुत बड़े इम्पोर्टर, वो 10-20 करोड़ का सामान मंगा रहे हैं, बट इम्पोर्टर एक नहीं है, इम्पोर्टर 50 है। इम्पोर्टर ऐसे ऐसे होते हैं कि मान लो वो छोटा सामान भी मंगाते हैं। तो जो छोटे इम्पोर्टर होते हैं, बल्क में जो करते हैं ना गेम, चीटिंग तो वो भी करते हैं, बट उनका पता नहीं, पर छोटे वालों के चांसेस ज़्यादा होते हैं चीटिंग करने के। तो कई बार छोटे इम्पोर्टर जो होते हैं, वो मंगाते हैं, खुद ही वो मिक्सिंग कर देते हैं। तो भैया वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। तो
तो वही चीज़ है। अब एक दोस्त था मेरा, उसको थोड़े दिन पहले एक प्रोटीन खरीदा उसने, तो यार यकीन नहीं मानोगे उसकी प्रोटीन में आटा था, और वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना आटे में, जो ज़्यादा दिन रखा रहता है तो हो जाते हैं, मैंने देखे अपनी आँख से। तो यार सोचने वाली बात है कि क्या चल रहा है। प्रोटीन 4400 का उसको दिया था, 4400 का, और उसके अंदर आटा था 2.5 किलो। आटा कितना, 200 रुपये का सामान दे दिया यार 4400 में, कुछ हद होती है। परसेंटेज देखोगे ना प्रॉफिट की तो अंधा हो जाए। तो चलो जोड़ो, वो चीज़ छोड़ो, एक बेसिक एग्जांपल है। तो भैया ये इसके साथ हुआ है, और तो और कुछ लोग तो आटा भी नहीं दे रहे हैं यार, ऐसे ऐसे चीज़ दे रहे हैं कि अपना तो फ़ायदा हो दूसरे का नुकसान भी हो जा रहे हैं। तो दवाइयाँ मिला के दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कबाड़ कोबर भरा रखा है यार। तो दोस्तों मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि बहुत बुरी कंडीशन है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो मैं सॉल्यूशन, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे सॉल्यूशन होता है। अब जो बड़ा इम्पोर्टर था वो इसके लिए कुछ नहीं था, ठीक है? अगर उसके लिए कुछ होता, वैल्यू होती इसकी कुछ, तो सॉल्यूशन हो जाता। तो सॉल्यूशन यहीं पे है कि आपने नाम सुना ही होगा माय प्रोटीन का। माय प्रोटीन एक बहुत बड़ी कंपनी है, यूके की काफ़ी बड़ी कंपनी है, आई थिंक वो सबसे बड़ी कंपनी है यूके की, काफ़ी बड़ी इनकी रेंज है प्रोडक्ट की। तो वो लोग करते क्या हैं, वो लोग ये इम्पोर्टर वाला गेम नहीं खेलते कि यहाँ पे इम्पोर्टर आया इम्पोर्टर खेलेगा इनके साथ, नहीं नहीं नहीं, वो आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं। वो उनकी बड़ी वेबसाइट है, आप जाओ उनके साथ ऑर्डर करो, वो आपको सामान भिजवा देंगे। पहले क्या होता था, पहले सामान आता था पोस्ट ऑफिस में जाते थे, कस्टम पे धक्के खाओ, फिर ये करो वो करो। तो मैंने भी बनाया था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी बात, तो मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, बट उस हो सकता उसी से या फिर किसी बात से अब हो क्या गया है। अब आप उनको ऑर्डर करो उनकी वेबसाइट पे, वो डायरेक्ट आपके घर पे सामान भेजते हैं। उन्होंने अपनी खुद सेटिंग ऐसी बिठाई है कस्टम पे, या जो भी उनका मतलब कुछ ऐसा सिस्टम सेटअप बिठाया, DTP सेटअप आई थिंक उसको बोलते हैं, तो वो ऐसा बिठाया है कि अब आपको कस्टम आपको पे नहीं करना जाता है, पर्सनली जाके पे नहीं करना पड़ता। आप जो पहली बार में पे करते हो ना प्रोडक्ट पे चेकआउट के टाइम पे, उसी में कस्टम एडअप हो जाता है। तो आपका हेडेक खत्म हो जाता है, आप नॉर्मल सप्लीमेंट की तरह खरीदते हो और आपके घर आ जाता है। जेन्युइनिटी की यहाँ पे गारंटी मिल जाती है कि भाई देख, अगर कोई बनाने वाला मैन्युफैक्चरर ही आपको सामान भेज रहा है तो भाई देखो वो तो जेन्युइन है ही, उसमें मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है? तो जेन्युइनिटी आपकी गारंटी यहाँ मिल जाती है, बाकी वहाँ पे जेन्युइनिटी की गारंटी छोड़ो घंटा भी कुछ नहीं मिल रहा, आटा ही दे दो तो भी शुक्र मानो, बात ही सीन ऐसी है। तो और बात करें क्वालिटी की, तो देखो क्वालिटी में अभी रिव्यू भी आने वाले हैं, आपको उसमें पता चल जाएगा। बाकी क्वालिटी यार वो यूके की जो फूड अथॉरिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और ये बात मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि हमारी ख़राब है, बट आप लोग को सब पता है कि क्या सीन है अपना, तो ये चीज़ मैं बोलना नहीं चाहता। आप समझ सकते हो कि भारत की फूड अथॉरिटी अभी थोड़ी इम्प्रूव्ड है, तो क्वालिटी अच्छी है उनकी, तो आप वो मंगा सकते हो। और हाँ, ये एक अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ कि अभी माय प्रोटीन की वेबसाइट पे मुझे अपडेट मिला था, तो मैं सोचा आपको बता दूँ, आपको नहीं बताऊँगा तो क्या फ़ायदा अपडेट का, ठीक है? आप ही के लिए सब कुछ। तो अभी माय प्रोटीन पे ऑफ चल रहा है, 24% का सेल चल रही है। तो और हाँ, काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी ऐड हुए हैं, उसके बताता हूँ बाद में। तो आप कोई भी ऑर्डर करोगे उस पर 24% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है, अगर आप कोड यूज़ करो। मेरा कोड मैं दे देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक और कोड मिल जाएगा सब कुछ, JSTS24, ठीक है? अगर आप चेकआउट के टाइम पे ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपकी जो कार्ट वैल्यू होगी उस पर 24% ऑफ हो जाएगा। बस शर्त ये है कि आपको कार्ट वैल्यू 10,000 रखनी पड़ेगी। 10,000 मतलब 5,000 का अगर कुछ मंगा रहे हो तो दो मंगाओ, जो भी लो दो लो। तो वही है, 5,000 का मान लो आपकी कार्ड वैल्यू 10,000 है तो उसमें 24% ऑफ हो जाएगा, मतलब 2400 रुपये ऑफ हो जाएंगे। 7600 का आपको 10,000 वाला सामान 7600 का पड़ जाएगा, और क्वालिटी तो आपको पता ही है। और हाँ, अगर आप मंगा रहे हो ना वेबसाइट खोल के देखे हो तो आप एक बार पीनट बटर को ज़रूर चेकआउट करना है, अभी ऐड हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, मैं तो पीनट बटर यूज़ करता हूँ। अगर आप यूज़ करते हो और चाहते हो कि क्वालिटी वाली चीज़ यूज़ करो तो इस बार इसको देखना ज़रूर, ठीक है? तो बस मैं यही बनाना चाहता था आपको कि ऐसे ही प्रॉब्लम है, ऐसे सॉल्यूशन है। एक डुप्लीकेसी के ऊपर मैंने अभी थोड़ा सा कुछ काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको सरप्राइज़ देखने को मिलेगा, आपको समझ में आ पाएगा कि कैसे कैसे सारा काम होता है, सब कुछ समझाऊंगा मैं। तो स्टे ट्यून दोस्तों, काफ़ी सही सही वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ उसे शेयर करने में बिल्कुल मत शर्माइएगा। और दोस्तों हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी अपडेट वहाँ पे मिलती हैं और काफ़ी सारी नॉलेज स्प्रेड की जाती है वहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कीप सपोर्टिंग, सदा फिट रहो, जय हिंद।